वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल अनबॉक्सिंग। आज का जो पार्सल है वो मीशो से है। मीशो से मंगाया था मैंने पार्टी वियर कुर्ती सेट। इसमें वो भी सूट है जो कि मुझे कुछ सिस्टर ने इंस्टाग्राम पे डीएम करा था। आप लोगों को भी अगर कुछ देखना है तो आप लोग भी इंस्टाग्राम में जाइए, वहाँ पर जाके मेरे को डीएम करिएगा और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। बाकी आप लोगों की हर किसी की वीडियो आएगी, बस थोड़ा टाइम लगता है, बजट नहीं होता है उतना, पर धीरे धीरे सबकी वीडियो आएगी। आप लोग भी जो भी बोलते हैं सारी चीज़ों का कलेक्शन आएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और प्लीज़ मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी वीडियो में, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। मैं आप लोगों को वियर करके भी दिखाऊंगी और प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करना, वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच जो आपने इतना सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। ये है पहला ड्रेस जिसका प्राइस है 600 रुपये। देख सकते हैं आप कितने प्यारे कलर में है, डार्क पर्पल कलर में है और ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, जामुनी कलर है। ये मुझे 3 सेट में रिसीव हुआ है। ये दुपट्टा है, ये कुर्ती है और ये पैंट है। सबसे पहले हम लोग कुर्ती की बात करते हैं। कुर्ती का जो नेक है वो राउंड नेक में है, वी कट में है और यहाँ पे इन्होंने ये प्रिंटेड का कपड़ा लगा रखा है, दूसरा कपड़ा लगाया है। इसके साइड में समोसा लेस लगा हुआ है। जिसका स्लीव है वो फुल स्लीव में है, स्लीव में भी ये प्रिंट का कपड़ा है और यहाँ पर इन्होंने लेस लगाया हुआ है। बैक साइड में प्लेन है। जो इसका फैब्रिक है वो रेयन है। बाकी मैं आप लोगों को वियर करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी लेंथ वगैरह क्या है। देख सकते, बात करते पैंट की, तो इसमें कमर में लास्टिक लगी हुई है, आगे पीछे दोनों साइड लास्टिक लगी है और बॉर्डर के यहाँ पे भी उन्होंने वो कुर्ते का फैब्रिक लगा रखा है। यहाँ पे समोसा लेस लगा रखा है जो कि काफ़ी स्टाइलिश और अच्छा लग रहा है। इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ मंगाया था मैंने, जो प्राइस है वो 600 के हिसाब से ये काफ़ी अच्छे। बाकी रेटिंग मैं आप लोगों को पहनने के बाद दूंगी। और जो ये दुपट्टा है आप देख सकते हो प्रिंट में है, इसमें समोसा लेस लगा हुआ है चारों साइड से। जो इसके चौड़ाई है वो आप देख सकते हो बहुत कम है, 0.5 मीटर होगा। जिसका लेंथ है वो 2 मीटर है, 1 मीटर 2 मीटर इसकी लेंथ है। पर अगर ये 2.5 मीटर में दुपट्टा हो या 2.2 हो तो ये दुपट्टे काफ़ी अच्छे लगते हैं। दुपट्टे का लेंथ काफ़ी कम है और जो इसका फैब्रिक है वो भी रेयन है, तीनों का फैब्रिक ही रेयन है। गर्मी में पहनने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इस कुर्ती सेट का सबसे प्यारा तो इसका कलर लग रहा है, उस पर जो प्रिंट कर रखा है ये काफ़ी प्यारा सा लुक आ रहा है। इसमें दिक्कत एक ही है कि दुपट्टे का लेंथ कम है। दुपट्टे का लेंथ अगर ये ज़्यादा देते तो इसमें 4 चांद लग जाता। दुपट्टे के लेंथ की वजह से ही मैं इसको रेटिंग 8 दूंगी। बाकी ओवरऑल ये ड्रेस काफ़ी प्यारा है। इसका जो फैब्रिक है वो रेयन है जो समर के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसका जो प्राइस है वो 600 रुपये है। दूसरा पार्सल पिक मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप लोग भी मिलाते रहना। इसके अंदर बहुत सारे कलर है तो आप लोग जाके चेक कर लेना कि आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आ रहा है। ये जो कलर है ये रानी पिंक कलर है, डार्क पिंक में है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है दिखने में। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ये मुझे 3 सेट में रिसीव हुआ है, एक कुर्ती है, एक दुपट्टा है और एक पैंट है। सबसे पहले हम लोग कुर्ती की बात करते हैं। इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी इन्होंने एम्ब्रॉयडरी कर रखा है। जो स्लीव है इसका वो 3/4 में स्लीव है, स्लीव में भी इन्होंने कुछ थोड़ा सा वर्क कर रखा है लाइन लाइन का, इस साइड में भी वही कर रखा है और पूरे सूट में फ्रंट साइड में ही ऐसा क्या लेस वगैरह जो भी है ये लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैक में पूरा प्लेन है। जिसका साइज़ है वो एस साइज़ है। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना प्यारा लग रहा है देखने में। वैसे मुझे रानी पिंक कलर काफ़ी अच्छा लगता है। और जिसका फैब्रिक है वो रेयन है। जो ये दुपट्टा है इसका जो फैब्रिक है वो सिफोन है, सिफोन काफ़ी सॉफ्ट होता है, एक मुड़ मुड़ के छोटा सा हो जाता है। ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसके चारों साइड में बॉर्डर में लेस लगा रखा है। जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा है, ये काफ़ी अच्छा है। पहले वाले की चौड़ाई कम थी, इसकी अच्छी है। इसकी लेंथ भी 2 मीटर से ज़्यादा है, 2.25 होगा, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इस लेंथ का दुपट्टा काफ़ी प्यारा लगता है, साइड में लेके आप वेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है। बात करते हैं पैंट की, तो इसका जो कलर है वो रानी कलर में है जो कि कितना प्यारा लग रहा है। तीनों का कलर ही रानी कलर में है और आप देख सकते हो कि इसमें कोई एक्स्ट्रा लेस वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है, ये सिंपल है। और इस पर जो पीछे है, पीछे ही इन्होंने लास्टिक लगा रखा है, आगे इन्होंने पेस्टिंग लगा रखा है जो काफ़ी कम पैंट में देखने को मिलता है। और इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है। पैंट का और कुर्ती का जो
फैब्रिक है वो रियॉन है, दुपट्टे का फैब्रिक जो है वो शिफॉन है। ओवरऑल मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद। बाकी लोग कहेगा कि कैसा लगा, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को भी कैसा लगा। इसका जो प्राइस है वो 750 रुपये है। 750 रुपये में पूरा पार्टी वियर सेट है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। दुपट्टा भी आप देख सकते हो कितना प्यारा है, लेंथ वगैरह बहुत अच्छा है और आगे से जो एम्ब्रॉयडरी कर रखी है वो काफ़ी प्यारा सा लुक आ रहा है। फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है। इसमें अगर रेटिंग की बात करो तो 10/10 है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और इसमें सारे कलर ही बहुत अच्छे हैं। आप लोग एक बार जाके चेकआउट कर लेना। ओवरऑल ये ड्रेस बहुत प्यारा है। यह तीसरा कुर्ती सेट मैं यहाँ पे पिक दे दूंगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी मैच करते रहना और बताना आप लोगों को कैसा लगा। इसका जो प्राइस है वो 550 रुपये है। ये भी मुझे 3 सेट में रिसीव हुआ है, देख सकते हो। ये दुपट्टा है, ये कुर्ती है और ये पैंट है। बात करते कुर्ती की तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कितना प्यारा लग रहा है। नेवी ब्लू कलर में है, इसमें गोल्डन कलर का वर्क कर रखा है जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन सिल्क। ये समर में आप इसको पहनोगे तो आपको गर्मी लगेगी। इसका जो स्लीव है वो 3/4 में स्लीव है। ये बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड में वर्क कर रखा है। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि इसका लुक कैसा लग रहा है। बाकी ये देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है, पार्टी में पहन के जाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत शाइन करेगा, जिससे कि काफ़ी अच्छा सा एक लुक आएगा पार्टी में पहन के जाने के लिए। ये ड्रेस काफ़ी अच्छा है। दुपट्टे की बात करें तो आप देख सकते हो दुपट्टा सिल्क में है और ये कितना प्यारा लग रहा है। इसमें कितना अच्छा इन्होंने वर्क कर रखा है, अच्छा खासा लेंथ भी है, 2 मीटर से ज़्यादा इसका लेंथ है। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को एग्जैक्ट लुक का पता चलेगा। बाकी ये पूरा फुल अप पार्टी वियर ड्रेस है। पैंट सिंपल में है पर पैंट का जो फैब्रिक है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका जो फैब्रिक है ये पॉलिस्टर का कपड़े का है, जो कि सबसे गंदा कपड़ा होता है। उन्होंने पता नहीं इस कपड़े का क्यों दिया, इसकी जगह अगर क्रेप का भी दे देते तब भी सही था, पर पॉलिस्टर के कपड़े में काफ़ी गर्मी लगता है, ठंड के हिसाब से यह सही है। और पूरा प्लेन है, कमर में इलास्टिक लगी हुई है, पर आप इसको डेली वेयर में नहीं पहन सकते, आपको काफ़ी गर्मी लगेगी। ये अक्टूबर नवंबर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है और वैसे नॉर्मली में समर में पहनना है तो सिर्फ पार्टी में ही पहन के जा सकते हो। ये फुल अप पार्टी वियर ड्रेस है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। नेवी ब्लू और पिंक में कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो इसका प्राइस है वो 550 रुपये है। रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 9 दूंगी, क्योंकि ये समर के हिसाब से सुटेबल नहीं है। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन सिल्क में है। आप इसको ऑनली पार्टी वियर ही कैरी कर सकते हो, डेली यूज़ में नहीं पहन सकते हो। यह चौथा ड्रेस यहाँ पे पिक दे दूंगी, आप देख सकते हो कि ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। ये मुझे इंस्टाग्राम में एक दो जने ने रिक्वेस्ट किया था तो ये स्टॉक में ही नहीं आ रहा था। जैसे स्टॉक में आ रहा था आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था, मेरा साइज़ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से ये वाला ड्रेस ऑर्डर किया है मैंने, तो मैं चेक कर रही थी एक दिन रात को, चेक किया मैंने तो आ गया, तो मैंने सोचा मंगा लेती हूँ। आप देख सकते हो उसका जो कलर है वो कितना प्यारा लग रहा है। ये 2 कलर में अवेलेबल थे, एक डार्क पिंक, एक ये कलर। इस कलर को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताना कि इस कलर को कौन सा कलर बोलते हैं। बाकी ये फुल ऑफ पार्टी वियर ड्रेस और ये मुझे 3 सेट में रिसीव हुआ है। ये पैंट है, ये कुर्ती है और ये दुपट्टा। सबसे पहले बात करते हैं कुर्ती की, तो आप देख सकते हो इसका जो नेक है वो 4 कोने में है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आयताकार नेक है इसका। बैक साइड भी सेम है पर आगे से पीछे ज़्यादा डीप है और इसमें ये टसल्स लटकन भी लगे हुए हैं। इसका जो स्लीव है वो फुल स्लीव में है और स्लीव में दूसरा कपड़ा है और ये पूरा प्लेन है। ये काफ़ी हार्ड लग रहा है पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हार्ड इसलिए लग रहा है, अगर आप लोग रिसीव करेंगे तो देख के आप लोगों को भी ये पकड़ेंगे तो हार्ड लगेगा, पर आप डर मत जाना। इसके अंदर जो उन्होंने अस्तर लगा रखा है ये कॉटन का है और कॉटन धुलने से पहले हार्ड ही होता है। जब ये धुल जाएगा तब ये सॉफ्ट हो जाएगा, धुलने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, तब आप पकड़ोगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट लगेगा। और ऊपर का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है और काफ़ी सॉफ्ट जॉर्जेट में है। और इन्होंने इसकी क्वालिटी इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी दी है, कहीं से ये सिलाई नहीं उखड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। काफ़ी अच्छा पीस रिसीव हुआ है मुझे इसका। और इसका जो दुपट्टा आप देख सकते हो, इसका जो बाजू में जो कपड़ा लगा हुआ है उसी का दुपट्टा है। दुपट्टे के लास्ट में ये गोल गोल ये लगे हुए हैं और ये पूरे ही दुपट्टे में इस टाइप का बना हुआ है। दुपट्टे का लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, चौड़ाई में भी काफ़ी अच्छा है, 1 मीटर से ज़्यादा ही है और लेंथ भी 2 मीटर से ज़्यादा है। ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। बाकी आप लोगों को वेयर करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा ये रियल में कितना अच्छा दिख रहा है।
की बात करें तो पैंट के कमर में इलास्टिक लगी हुई है और जो कुर्ती का फैब्रिक था वही ये है, जॉर्जेट का फैब्रिक है ये। इसके नीचे कोई अस्तर नहीं लगा हुआ है पर ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक है और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, जैसा कि आपको लग रहा है तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके नीचे आप लोगों को कुछ वेयर नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप इसको वेयर करेंगे तो चल जाएगा। ओवरऑल ये ड्रेस मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसका कलर आप लोग भी चेक कर लेना कि आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लगा। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करके दिखा रही हूँ तब बता रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, रेटिंग भी मैं वेयर करने के बाद ही दूंगी। वीडियो बनाते बनाते मेरे को इतने सारे पार्सल रिसीव हो गए थे, आप देख सकते हो इतने सारे पार्सल। आप देख सकते हो कि ये ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है पहनने के बाद, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसका दुपट्टा कितना अच्छा शाइन कर रहा है। बाकी इसका नेक वगैरह यूनिक नेक है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। फ्रंट का नेक भी अच्छा लग रहा है, बैक का नेक भी अच्छा लग रहा है। इसकी फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, दुपट्टा लेंथ वगैरह सब बढ़िया है। रेटिंग 10/10 है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को कौन सा ड्रेस अच्छा लगा है, कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। और प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करना, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आगे भी आप लोग सपोर्ट कर लेना। और जैसे 100K हो जाता है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, तब से गिववे शुरू हो जाएगा, हर वीडियो में तब से गिववे आएगा। पर तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।